बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, ये फ्यूनरल रिचुअल्स के बारे में, ये गैर मुस्लिमों की जब वफात होती है तो क्या उनसे ताजियत और कंडोलेंस सिर्फ लफ्जों में करें या उनके साथ उनके जनाजे में शिरकत करें और या और जो वहाँ पे कब्रिस्तान वगैरह जाने का अमल है तो इसके बारे में क्या इस्लामी तालीमात हैं, क्या उनके साथ कब्रिस्तान जाया जा सकता है या इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका भी मुफ्ती साहब। उनके जनाजे में मैं इसमें थोड़ा सा और भी ऐड करूंगा, क्वेश्चन जो पूछा हमारे कॉलर ने कि उनके साथ कब्रिस्तान भी जाया जा सकता है, उनके जनाजे में भी शरीक हुआ जा सकता है कि नहीं। मैं बल्कि ये भी चाहूंगा कि आप ये भी बताइए कि हम जिस तरह अपने लिए दुआ करते हैं, जब वो लोग इज्तमाही दुआ करते हैं मरने वाले के लिए, क्या हम उस दुआ में नॉन मुस्लिम की लिए की जाने वाली दुआ में भी शामिल हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया और ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया में इसकी जरूरत पेश आती है। उसमें यह है कि आप बिल्कुल, आपके ताल्लुक पे डिपेंड करता है कि आपका मरने वाले के साथ कितना ताल्लुक है, कितना गहरा ताल्लुक है। उस नस्बत से आप जो है वो ताज़ियत के लिए जा सकते हैं, अल्फासी की हद तक आपने ताज़ियत की और वापस आ गए, लेकिन ज़्यादा ताल्लुक है, आपका पड़ोसी है, आपका कारोबारी पार्टनर है, बहुत से ताल्लुकात करीबी हैं, तो आप उनके जनाजे में शरीक होने इस माना में कि वो अपनी प्रेयर्स करते रहें, लेकिन आप वो मजमे में एक तरफ आप बैठ जाएँ, बैठ के जो मौजूद है उनकी हिदायत की दुआ करते रहें, इनकी ईमान की दुआ करते रहें, अगर उनकी प्रेयर हो रही है आप वहाँ मौजूद रहें, लेकिन आप दुआ जो है उन सब के लिए ईमान मांगे, या अल्लाह ये मरने वाला तो मर गया, जब मरना मैंने भी है इन्होंने भी है, तो या अल्लाह बस मैं सबके लिए ईमान मांगता हूँ, मुझे ईमान का इस्तेकामत आ फरमा और इनको वाकई ईमान की दौलत से मालामाल कर दे, क्योंकि दुआ में तो कोई पाबंदी नहीं है, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी है कि आप क्या दुआ मांगे, आप ये दुआ मांगे, क्योंकि जो मर चुका है आप उसके लिए बख्शी की दुआ नहीं हो सकती, अगर वो जो है कुफर पर मर गया है अब उसके लिए बख्शी दुआ जायज नहीं है, लेकिन जो जिंदा है उनके पास तो अभी टाइम है और आप अल्लाह से मांग सकते हैं उनके लिए ईमान और हिदायत, तो वो आप मांगते रहे। और इसी कब्रिस्तान जाने का, आप बिल्कुल कब्रिस्तान जा सकते हैं, मैंने बताया कि उनके रिलेशन ताल्लुक पर डिपेंड करता है, कब्रिस्तान चले गए जो उनकी सारी रसूमात हो रही हैं आप उनके साथ शरीक हैं, लेकिन उनके जो मजहबी जो तस्वुरात कायम कर रहे हैं उसमें आप शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गैदरिंग में उनके साथ हैं सिर्फ इजहार हमदर्दी के तौर पर, इसकी इस्लाम ने बिल्कुल रवादारी के बाब में इजाजत दी है, इसमें कोई मजाक नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारी इतनी तफसील से रहनुमाई फरमाने का।